5 अक्टूबर 2021 के ईश्वरीय महावाक्य, मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। प्रश्न: भगवान किन बच्चों को मिलता है? बाप ने कौन सा हिसाब बतलाया है? उत्तर: जिन्होंने शुरू से भक्ति की है उन्हें ही भगवान मिलता है। भगवान ने ये हिसाब बतलाया है कि सबसे पहले तुम भक्ति करते हो, इसलिए तुम्हें ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है, जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प मुझे याद किया है, अब मैं आया हूँ तुम्हें भक्ति का फल देने। आज का गीत: मरना तेरी गली में। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेते हैं। जानते हो हम आत्माएं हैं, वह हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने कितने साकारी बाप किए हैं, असल में हो निराकारी बाप के बच्चे। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाले भी वहाँ के हो जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहा जाता है। बाप भी वहाँ रहते हैं। यहाँ तुम आकर लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सत्युग में तुम सुखी बन जाते हो तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप का सिमरण नहीं करते हो, दुख में याद करते हो और आत्मा याद करती है। जब लौकिक बाप को याद करती है तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है। उस बाबा को याद करेंगे तो कहेंगे, ओ बाबा, हैं दोनों बाबा, राइट अक्षर बाप ही है, वह भी फादर, ये भी फादर। आत्मा रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहाँ चली जाती है। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाप कहते हैं, पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, तुम बहुत साहूकार थे, फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार, अभी तुम दुखी हो पड़े हो। ड्रामा अनुसार ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और ये शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से आत्मा सिल्वर एज में आई तो शरीर भी सिल्वर में आया, फिर कॉपर एज में आए। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते हैं, काला पड़ जाता है, तुम भी अभी काले आयरन एज्ड बन गए हो। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं तो फिर पवित्र कैसे बने? आत्मा पवित्र बने तो शरीर भी पवित्र मिले, वह कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? नहीं, पुकारते ही हैं, हे पतित पावन आओ, ये आत्मा कहती है तो बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है। हे बाबा, देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है, भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्माभिमानी बन बाबा के बने हो। बाबा कहते हैं, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो? ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए, बाबा को ही याद करना चाहिए। याद सब करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई हैं, अब आओ आकर पावन बनाओ। ड्रामा में ये भी पार्ट है, तब तो बुलाते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब, जब पुरानी दुनिया से नई बनती है तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है,
बिलव्ड मोस्ट बाबा है, कहते भी हैं स्वीट स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले फादर है जो जन्म देते हैं, फिर है टीचर। टीचर से पढ़कर तुम मर्तबा पाते हो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो बेहद का किसको पता नहीं है। चित्रों में क्लियर दिखाया भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखलाते ही हैं सतयुग के लिए, तो जरूर संगम पर बाप ने सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। करण करावन हार है ना, वो लोग तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु ऊंच से ऊंच शिव है ना, वह साकार है, वह निराकार है। सृष्टि भी यही है, इस सृष्टि का ही चक्र फिरता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। गाते भी हैं सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सत्युग कौन बनाए? नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर ही आते हैं। जितनी पुरानी दुनिया उतना दुख जास्ते, आत्मा जितना तमो प्रधान बनती जाती है उतना दुखी होती है। देवताएं हैं सतो प्रधान, ये तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है। बाप कहते हैं तुम शिवालय में रहने वाले थे, अब है वैश्यालय। तुम पावन थे, अब पतित बने हो तो कहते हो हम तो पापी हैं। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे, कहना चाहिए बाप के आगे, उसको छोड़ ब्रदर्स को लगते हैं। ये देवताएं ब्रदर्स ठहरे ना, ब्रदर्स से तो कुछ मिलना नहीं है। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है, उससे हमको वर्षा मिलता है। बाकी मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई फिर कहते अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते वह नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो अखंड ज्योति स्वरूप है, फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाप को न जानने के कारण ही पतित बन पड़े हैं। तमो प्रधान भी बनना ही है, फिर जब बाप आए तब सबको पावन बनाए। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती हैं, फिर यहाँ आकर सतो रजो तमो का पाठ बजाती हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है, बाप आते भी हैं, कहते हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। ये है भाग्यशाली रथ, बिगर आत्मा रथ थोड़े ही होता है। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, अब ये बात तो हो नहीं सकती, परंतु कुछ भी समझते नहीं कि हम कहते क्या हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया है, ये है ज्ञान वर्षा। इससे क्या होता है? पतित से पावन बनते हैं। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होती है। कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं, ऐसी कोई बातें हैं नहीं। वह तो सतयुग का प्रिंस है, उसकी बहुत संभाल से पालना होती है, क्योंकि फूल है ना, फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं। फूल से सभी आकर खुशबू लेते हैं, कांटों से थोड़ी ही खुशबू लेंगे। अभी तो है ही कांटों की दुनिया, जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ भी रख दिया है। कांटों से फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते हैं कांटों को फूल बनाने वाला बाबा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ कितना लव होना चाहिए, अभी तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी तुम्हारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वे हमारा लौकिक बाप
और ये पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी आत्मा जानती है, वह हमारा लौकिक बाप और ये गॉड फादर अविनाशी बाप को याद करते हैं। वह बाप कब आकर हेवन स्थापन करते हैं ये किसको पता नहीं है। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर आएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखकर मनुष्यों को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं उन्हें भगवान मिलता है, तो सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप ने हिसाब भी बतलाया है, सबसे पहले भक्ति तुम करते हो, तुमको तो पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं, अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं, सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। तुम तो कितने बड़े आदमी अर्थात देवता बनते हो, दैवी गुण वाले देवता, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे लिए महल भी हीरे ज्वारों के होते हैं, वहाँ तुम्हारा फर्नीचर सोने जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिव को रुद्र भी कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती है तो भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सत्युग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं, इस समय ही बाप ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति तो सदैव नहीं चलती रहेगी, भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं, तो बच्चों का भी बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, मोस्ट बिलव्ड बाबा है ना, उनसे ज्यादा प्यारी वस्तु कोई हो ना सके। आधा कल्प से याद करते आए हैं, बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाप आए हैं, समझाते हैं, बच्चे तुम्हें अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना ही है, यहाँ बाबा के पास कहाँ तक बैठेंगे, साथ में तो परम धाम में ही रह सकते, यहाँ तो नहीं रह सकते, यहाँ तो नॉलेज पढ़ने की है, नॉलेज पढ़ने वाले थोड़े होते हैं। लाउड स्पीकर पर कभी पढ़ाई होती है क्या? टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे? इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तिहान होते हैं, रिजल्ट निकलती है। यहाँ तो एक बाप ही पढ़ाते हैं, ये भी समझाना चाहिए कि दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सिमरन उस पारलौकिक बाप का करते हैं, अब वह बाप आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, वे समझते हैं महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया, ये तो हो ना सके, बिचारे मूंझे हुए हैं, फिर भी कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलव्ड शिव भी है तो कृष्ण भी है, परंतु वह है निराकार, वह है साकार। निराकार बाप सभी आत्माओं का बाप है, हैं दोनों मोस्ट बिलव्ड। कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना, अभी तुम जज कर सकते हो कि जास्ती प्यारा कौन। शिव बाबा ही ऐसा लायक बनाते हैं ना, कृष्ण क्या करते हैं, बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं ना, तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए ना। बाप ने समझाया है तुम सब पार्वतियां हो, ये शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं, तुम ही सब अर्जुन हो, तुम ही सब द्रौपदियां हो। इस विशेष दुनिया को रावण राज्य कहा जाता है, वह है वाइसलेस वर्ल्ड, विकार की बात नहीं। निराकार बाप विकारी दुनिया रचेंगे क्या?
विकार में ही दुख है, सन्यासियों का है ही हठ योग, निवृत्ति मार्ग, कर्म सन्यास तो कभी होता ही नहीं, वह तब हो जब आत्मा शरीर से अलग हो जाए। गर्भ जेल में फिर कर्मों का हिसाब शुरू हो जाता है, बाकी कर्म सन्यास कहना रॉन्ग है। हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीजें भी निकालते हैं, भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं, लेकिन उनसे कोई को गति सदगति तो नहीं मिल सकती। वह तो एक ही सच्चा सतगुरु आकर सबकी गति सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कांटों से फूल बनाने वाला मोस्ट बिलव्ड एक बाप है, उसे बहुत लव से याद करना है। खुशबूदार पावन फूल बन सबको सुख देना है। दूसरा, यह नॉलेज अर्थात पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे 21 जन्म के लिए तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, इसलिए इसे अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है, आत्मभिमानी बनना है। वरदान, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण, कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। स्लोगन, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। ओम शांति। होली में बड़ी सबको लेकर मैं खड़ी, सागर बोला मैं बड़ा, मैं तो रत्नों से भरा। गगन कहे मैं बड़ा, सूरज चांद तारों से धरती बोली मैं बड़ी सबको लेकर मैं खड़ी, सागर बोला मैं बड़ा, मैं तो रत्नों से भरा। गगन कहे मैं बड़ा, सूरज चांद तारों से डरा। गगन कहे मैं बड़ा, सूरज चांद तारों से डरा। बोली मैं बड़ी सब बोले कर मैं पड़ी, सागर बोला मैं बड़ा, मैं तो रत्नों से भरा।
5 तारीख के दिन बहुत बहुत है स्वागत जी, स्वागत अभिनंदन और वेलकम। आप सभी आए तो जैसे कि आए हैं बाहर, मिलकर करेंगे मुरली को हम फिर एक बार याद, जिससे बाबा की याद भी हो जाएगी और हम और भरपूर हो जाएंगे। तो चलिए देर नहीं करेंगे, रखेंगे पहला प्रश्न। प्रश्न है मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और क्या बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए काले, ऑप्शन बी तमो प्रधान, ऑप्शन सी सांवरे, ऑप्शन डी विकारी। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही जवाब ऑप्शन ए काले। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो और बधाई हो। बढ़ते आगे, रखते दूसरा प्रश्न। प्रश्न पहले पहले हमने तुमको किस में भेजा, तुम बहुत साहूकार थे, फिर 84 जन्म में ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हो पड़े हो। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए परमधाम, ऑप्शन बी स्वर्ग, ऑप्शन सी चार धाम, ऑप्शन डी पीस वर्ल्ड। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही जवाब ऑप्शन बी स्वर्ग। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो और बधाई हो। तो चलिए बढ़ते आगे, रखते तीसरा प्रश्न। डैश का सोना कोई पसंद नहीं करते, काला पड़ जाता है, तुम भी अभी काले आयरन एजेड बन गए हो। चार ऑप्शन, ऑप्शन है 18 कैरेट, ऑप्शन बी 14 कैरेट, ऑप्शन सी 22 कैरेट, ऑप्शन डी 24 कैरेट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां लगाकर हमें रोज बताते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। आज बाबा ने क्या पॉइंट को कंपेयर करके बताया है, चलिए बताइए आप भी। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी 14 कैरेट। 14 कैरेट का सोना काला पड़ जाता है, इसलिए कम पसंद करते हैं लोग, इसलिए हमें भी 14 कैरेट वाला नहीं बनना, पूरा 24 कैरेट प्योर बनना है। तो बाबा की मीठी शिक्षा भी ली है और आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो और बधाई हो। चलिए बढ़ते आगे, रखते चौथा प्रश्न। प्रश्न है सृष्टि का ही चक्र फिरता है, रिपीट होता रहता है, किसकी सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता है। चार ऑप्शन, ऑप्शन है सूक्ष्म वतन, ऑप्शन बी मूल वतन, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी तीनों लोक। And your time starts now. देखते ही देखते चौथा प्रश्न आ गया, पता ही नहीं चलता वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है। देखते ही देखते 9 महीने निकल गए साल के, अभी लगता है साल शुरू हुआ था। और देखते ही देखते वक्त भी समाप्त, टाइम्स अप। सही जवाब ऑप्शन ए सूक्ष्म वतन। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो और बधाई हो। चलिए अब रखते हैं पांचवा प्रश्न। प्रश्न किसकी पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं, अब तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है। चार ऑप्शन, ऑप्शन है भाइयों बहनों, ऑप्शन बी भाइयों, ऑप्शन सी गुणे, ऑप्शन डी पत्थरों। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। घड़ी के टिक टिक बंद हुई, बताते सही जवाब ऑप्शन बी भाइयों। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो और बधाई हो। बारी छठवां प्रश्न रखने की। प्रश्न है शिव को रुद्र भी कहते, जब क्या पूरी होती है तो भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। चार ऑप्शन, ऑप्शन है भक्ति, ऑप्शन बी योग, ऑप्शन सी सृष्टि चक्र, ऑप्शन डी रावण राज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इशारा, टाइम सर, सही जवाब ऑप्शन ए भक्ति। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो और बधाई हो। रखते हैं सातवां प्रश्न। प्रश्न है यह शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं, तुम ही सब कौन हो, तुम ही सब द्रौपदी द्रौपदिया हो।
चार ऑप्शन, ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी अर्जुन, ऑप्शन डी ब्राह्मण। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सातवां प्रश्न आ चुका है, बता दीजिए सही जवाब। वक्त समाप्त हो चला, सही जवाब है ऑप्शन सी अर्जुन। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो और बधाई हो। अब तो रखते हैं आठवां प्रश्न। प्रश्न पेश हुआ है, यह नॉलेज क्या है, इससे किस जन्मों के लिए तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए सोर्स ऑफ इनकम, ऑप्शन बी सोर्स ऑफ नॉलेज, ऑप्शन सी सोर्स ऑफ टाइम, ऑप्शन डी सोर्स ऑफ संकल्प। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आठवां प्रश्न आया है, अभी हमने रिवाइज करा है आपके लिए, तो जैसे बोनस प्रश्न ही पेश कर दिया कंप्यूटर जी ने, तो मेहरबानी होगा फायदा उठाइए, लीजिए बताइए सही जवाब। वक्त ने दिया इशारा, टाइम सर, सही जवाब ऑप्शन ए सोर्स ऑफ इनकम। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो और बधाई हो। तो चलिए अब रखते हैं आज का नौवां प्रश्न। प्रश्न है, नौवां प्रश्न है, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर से कार्य करने वाले डैश भवा। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए राजयोगी, ऑप्शन बी सहज योगी, ऑप्शन सी निरंतर योगी, ऑप्शन डी कर्म योगी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए नौवां प्रश्न कितना प्यारा आया है, वरदान में से आया है, वरदानी भूत आत्माओं के लिए, तो बताना है बिल्कुल आपको सही जवाब और करना है कमाल, फिर एक बार ले जाना है गोल्डन क्राउन करके अपने नाम। सही जवाब है ऑप्शन बी सहज योगी। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो और बधाई हो। तो चलिए अब देर नहीं करते, रख देते हैं आज का अंतिम प्रश्न। छोटा सा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए सुनिए और दीजिए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न है, कौन वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए महान योगी, ऑप्शन बी महारथी, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी पावरफुल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये तो हमने रिवाइज करा, देखिए फिर एक बोनस प्रश्न आया है आपके YouTube स्क्रीन पर, बता दीजिए सही जवाब, ले जाइए फिर एक बार ताश। वक्त ने दिया इशारा, टाइम सर, सही जवाब ऑप्शन बी महारथी। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो करते हैं आप सभी की सफलता पर बी के सज्जन हैट्स ऑफ, आपकी लगन के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता है। पूरे स्टूडियो में भी बज उठी है तालियां, डिजिटल तालियां आपके लिए, क्योंकि आपने किया है फिर एक बार कमाल। अच्छा हमें दीजिए इजाजत, हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा, मुस्कान बांटते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश। Join Power of Sakash right now. हमारा WhatsApp नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे ये नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो Power of Sakash मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्टी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।